अगर किसी के दो लड़की होगी शुरू में, उसे लड़का मोदी देगा या योगी? लड़की तो पराए घर की है, धन वो पराए धन है, वो तो पराए चली जाएगी। तो पुरानी कहावतें हैं, हो गई कहावत पुरानी नहीं, वो तो ब्याह करवा के चली जाएगी, उनका बाद में कौन देगा जी उन्हें रोटी? कौन देगा उन्हें जब वे बुढ़ा हो जाएंगे? उनका करना बस का नहीं रहना। लड़की भी दे सकती है ना रोटी? तो लड़की अपने घर बुला के थोड़े ही दे देगी। आपको क्या लगता है, आप एक महिला है, महिला होने के नाते क्या सोचते हैं? वो तो अपनी वो कुमाने के ऊपर बात हो गई जी, जितनी भी अपनी हैसियत हो बना सकते हैं, जितनी अपनी हैसियत उसी हिसाब से बच्चे होने चाहिए। चार बच्चे होना चाहिए, ज्यादा नहीं, चार बच्चे होने चाहिए। हाँ, चार बच्चे, दो लड़के, दो लड़के होने चाहिए। ऐसे हाथ में थोड़ा होता है लड़की लड़का होना, वो तो कुदरत की देन की बात है। तो अगर चार में भी लड़का नहीं हुआ तो फिर उसके देन है। पांचवा, पांचवा या छठा, वो तो ऊपर वाला दे रहा है ना, पाँच छः सात, जब तक कानून नहीं लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विशु है जी। अच्छा विशु, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए जी। क्यों नहीं होना चाहिए? यो यूँ नहीं होना चाहिए, वो तो ऊपर वाले की खुदा की देन है भाई। देखो सुनो, जो ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर भगवान जिसको जितने बच्चे दे रहा वो इतने ही तो लेगा। मानने की बात है, दो बच्चे पैदा करना है, कानून नियम होगा लागू। अगर किसी के दो लड़की होगी शुरू में, उसे लड़का मोदी देगा या योगी? नहीं, लड़कियों में क्या दिक्कत है, लड़कियां भी तो बराबर चल रही है। बराबर चल रही, लेकिन जो लड़का भी कर देगा वो लड़की नहीं कर सकती। लड़की तो पराए घर की है, धन वो पराए धन है, वो तो पराए चली जाएगी। तो पुरानी कहावतें हैं, हो गई कहावत पुरानी नहीं, वो तो ब्याह करवा के चली जाएगी, उनका बाद में कौन देगा जी उन्हें रोटी? कौन देगा उन्हें जब वे बुढ़ा हो जाएंगे? उनका करना बस का नहीं रहना। लड़की भी दे सकती है ना रोटी? तो लड़की अपने घर बुला के थोड़े ही दे देगी। नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो सोच बेकार है आपकी। अजी बेकार सोच नहीं, मेरी तो बहुत बढ़िया सोच है। एक बात बताओ, ये लड़की तो है यहाँ पे जो काम कर रही है? हाँ, तो लड़की है, सुनो, लड़की का ब्याह हो गया, वो घर जा ली, अब जो उसका माँ बाप है वे बुढ़े हो गए, उन्हें कौन देगा रोटी? तो माँ बाप लड़की के साथ नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? वो तो बड़ों की कहावत है, कहने लगा बाप अपने धी का घर का पानी भी नहीं पी सकता। बड़ों की सारी कहावतें मानते हैं? अजी मान रहे हम तो सारी मान रहे हम तो नहीं है सारी मान सारी मान रहे। मुँह में क्या खाया? कुछ नहीं खाया मैंने तो, ये दांत पीले हो रहे। ये तो कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो, तो सबके अंदर है वे, किसी के कुछ किसी के कुछ। तो फिर कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी ना पुरानी? देखो सुनो, आदमी पुरानी चीजें छोड़े भी और नवी पकड़े भी, लेकिन जो पुरानों में दम है वो नवों में नहीं रहा। अच्छा, जो पुरानों में दम है वो नवों में नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहा है पुरानों में दम, नवों में दम? खाना पूछ लो मामला। नहीं, ये तो आपकी कहावत मेरे को सही नहीं लगी, लड़का लड़की तो बराबर हो रहे हैं सबको, आज इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। आपकी बात ठीक है, लड़का लड़की बराबर है, लेकिन जिसके माँ बाप बुढ़े हो गए, लड़की का बेचारे का ब्याह हो जाए, लड़की के साथ भी तो रह सकते हैं। अजी क्या पता कोई बाप ऐसा हो जो अपना लड़की के घर का पानी भी ना पीना चाहता हो, तो वो कैसा खा लेगा रोटी फिर? तो लड़का जरूरी है? लड़का तो जरूरी है ही। तो कितना पढ़े हैं आप? कितना पढ़े हैं? मैं तो 10वीं पास हूँ। आगे नहीं पढ़े? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 है। पढ़ना चाहिए था आपको? मुझे यूँ लग गया मेरे दिमाग में पढ़ाई आनी नहीं, मैंने छोड़ दी। अच्छा। हाँ, ऐसे 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 काम है जो तजुर्बे से हो रहे हैं, पढ़ाई वाले फेल है। अच्छा। हाँ, तजुर्बे से होता है? तजुर्बे से हो रहा है ज्यादातर काम, पढ़ाई वाले पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, पढ़ाई है सब कुछ पढ़ाई है। हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर है? हिंदू का कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम अगर आपको देखनी ना तो यहाँ इतनी लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की कहीं भी नहीं होनी। वो पूछो कैसे कभी यहाँ, अगर बाला जयंती का जल्लूस हो जब आके देखियो आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, जब बेचारे मुसलमान खुद ही बनते हिंदुओं के लिए फूल बरसावे, वो देखेगी आपको लड़ाई जब नहीं आते आप, जब देखियो आप आगे लड़ाई। तो मेरे को तो लग रहा है तुम्हें 10वीं से आगे भी पढ़ना चाहिए था। अजी मैं और आगे पढ़ने का नहीं, तभी तुम्हें ये सोच है तुम्हारी लड़का? मेरी सोच तो बहुत बढ़िया है। नहीं, सही नहीं है। अजी सही है मेरी सोच, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, लड़का जरूरी चाहिए। पढ़ाई की कमी के कारण तुम्हें ऐसा हो रहा है? पढ़ाई की कमी के कारण कुछ नहीं हो रहा मेरे। क्या काम करते हैं आप? मेरी तो दुकान है परचून की, परचून की दुकान चलाते हैं। हाँ, तो आगे क्या आने वाली जनरेशन को भी 10वीं तक ही पढ़ाएंगे या उनको भी? वो तो उनकी जितना उनके दिमाग होगा वो इतना पढ़ेंगे भाई, जितना उनमें दिमाग होगा वो इतना पढ़ेंगे, दिमाग के हिसाब से पढ़ते हैं। और आप में 10वीं तक का था भाई? मेरे दिमाग में 10वीं तक का था, मेरे दिमाग में 10वीं तक पढ़ाई आई, उसके बाद आई नहीं, मैंने छोड़ दी। 10वीं तक आई उसके और नहीं आई? अरे आजकल के मैं तुम्हें ऐसे ऐसे आदमी दिखा दूंगा जिन्होंने इंजीनियर कर रखी है फिर भी फेल बैठे, उनके पास पैसा नहीं है रिश्वत देने को, वे बाद में फिर नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी भी नहीं कर रहे, कुछ तो शर्म के मारे कहने लगा इंजीनियर करके शर्म हो जाएगी उन्हें। बहुत है ऐसे लोग, मुझे ये तो है मैं 10वीं करके अपनी दुकान पे तो हूँ, पैसा कमा रहा मैं तो, पैसा कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन सोच पैसे कमाने वाली नहीं है। अजी सोच तो मेरी बहुत है, सोच बहुत है मेरी, सोच बहुत है। हाँ।
चलिए, क्या नाम भाई साहब? दिलशाद है जी, मैं तो कुछ क्या कहूँ। नहीं, नाम तो बताइए। दिलशाद आ गया, ये थोड़ा सा जी, मैं नहीं इतना जानता, मैं तो ऊपर पड़े नहीं जानते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर खड़े हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग राय लोगों की निकल कर आ रही है। आपका क्या नाम हो गया? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद को क्या लगता है, जो योगी जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, कानून बनना चाहिए जिससे बच्चे कम हो? यो होना तो ना चाहिए, मतलब किसी का दो लड़की है तो उसका लड़का कहाँ से आएगा फिर, मैं बताऊँ? नहीं, अब तो लड़का लड़की से एक समान हो रहे हैं। नहीं, लड़का लड़की एक समान हो रहे हैं। हाँ, जो होना चाहिए, जैसे किसी ने 10 बच्चे बनाए तो उन पर कंट्रोल होना चाहिए, 4 बच्चे होना चाहिए, ज्यादा नहीं, 4 बच्चे होने चाहिए। हाँ, 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के होने चाहिए। ऐसे हाथ में थोड़ा होता है लड़की लड़का होना, वो तो कुदरत की देन की बात है। तो अगर 4 में भी लड़का नहीं हुआ तो फिर उसके देन है। फिर पांचवा या छठा, वो तो ऊपर वाला दे रहा है ना, 5-6-7 जब तक कानून नहीं लागू होना चाहिए। कानून नहीं लागू होना चाहिए? नहीं, कानून नहीं लागू होगा तो लोग 10-10 बच्चे पैदा कर देंगे। नहीं, 10-10 तो होते नहीं बच्चे, 10-10 बच्चे किसका हो रहे हैं अब? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 2 लड़की 2 लड़के हैं। 2 लड़की 2 लड़के, आगे भी संभावना है कुछ या अभी बस? बस हो गया। आप कितने भाई बहन हैं? हम हैं 4। 4 भाई, 4 पहले थे, 4 ही आगे रखे हैं जी। अच्छा, मतलब 4 से 16 हो गए ना आगे तो? नहीं, 4 थे, फिर सबने 4-4 किए होंगे? नहीं, एक का हमारा बच्चे नहीं है, एक भाई का, एक के नहीं है जी। तो क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद नौशाद, आपको लगता नहीं है कि जगह हमारे पास 2 बच्चों की है, पैदा 4 कर लिए, कहाँ रहेंगे वो बच्चे? फिर वो 4 से फिर 4, 16, फिर उसके बाद देखो कितनी कैसे बढ़ जाएंगे ना। बढ़ जाएगा तो पैद हमारे देश की भी तो वो है। आप एक बात बताइए, 4 साल की नहीं कर लिया आप योगी ने, मोदी ने, तो इसमें जो फौजी बने गए भाई, तो उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, फिर आगे कहाँ से वो करेंगे? इतना बहुत है देश के पास बच्चे, बच्चों की कमी नहीं है। एक बात, 130 करोड़ लोग हैं, 140 हो जाएंगे अभी। 140 करोड़ जब आगे बनने के नहीं तो हो जाएगा कहाँ से, ये बताइए आप आगे की सोच। आगे नहीं बनने के तो हमारी सेना कहाँ से बनेगी? आगे की कब्जा कर लेगा आगे हमारे हिंदुस्तान पे? कब्जा नहीं होने देंगे हिंदुस्तान पे, कब्जा तो होने का ही नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान को बचाने के लिए ये जो बच्चे हैं ज्यादा होने चाहिए? नहीं, ज्यादा की बात नहीं, 4 बच्चे तो 4 तो जरूरत है। दो लड़का दो लड़की तो जरूरी है, 2 लड़का 2 लड़की। अरे, एक लड़का एक लड़की हो जाए तो उसमें क्या, जब भी ठीक ही है, जब भी ठीक है। देखिए, बच्चे तो 2 ही अच्छे है ना? नहीं, बच्चे तो 2 या जैसे शुरू में लड़का हो गया और फिर लड़की हो गई तो फिर बंद करना चाहिए, फिर बंद कर। हाँ, क्योंकि बात तो लड़के पे अटक रही है। हाँ, लड़के पर अटक रही। एक बात, मेरे पास में कोई लड़का नहीं है और लड़की लड़की हो गई 10 लड़की, तो मैं 10 लड़की चले गई आगे, तो हमारा घर तो खाली। अब तो लड़का लड़की एक समान है, देखो ये कैमरा पकड़ी है, ये लड़की है तो ये भी काम कर रही है। देहात में, शहरों में ये भी काम, देहात से गाँव से ही तो आती है। हम लोग देहात के रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई मोहम्मदपुर गांव है, यहाँ के रहने वाले हैं। तो मतलब बात अटकी है लड़के पे आकर? लड़के पे बात अटक रही है, ये बताइए आप। लड़का जरूरी चाहिए? लड़का तो जरूरी होना चाहिए, एक लड़का हो या एक लड़की हो। जिनके लड़का नहीं होता क्या वो उनका क्या मानते हैं क्या हो, या फिर वो उनकी कहानी खत्म हो जाती है? आप ये देखिए, कहानी इसमें देखिए, हरिजन में ही देख लीजिए, एक लड़का नहीं है। अब रोटी कहाँ खाएगा? पड़ोसियों का खाएगा, पड़ोसी ने निकाल कर चालू कर दे, कहाँ से खाएगा वो? अच्छा, ये थोड़ा सा सोच बदल लिया आप, लड़का लड़की एक समान है, सबको बराबर की सारी चीज़ें मिल रही हैं, लड़कियों को बल्कि ज़्यादा मिलती हैं, पता है आपको? हाँ, सरकार की किस्मत तो अलग से ऊपर वाला देता है। बस फिर जब अलग से देता है तो क्या जरूरत है बिना बात के? नहीं, एक बात तो बताइए, लड़के ऐसे भी देखे हैं मैंने, पैदा कर दिए, बड़े हो गए, उसके बाद आपने अलग से रहना शुरू कर दिया, माँ बाप को छोड़ देते हैं। अब माँ बाप को फायदा नहीं हो रहा, एम में इतना बढ़ने लग गया सुल्पा गंज में कि आम चीज़ होने लग गई, बताओ इनका क्या होगा, लड़कों को क्या फ़ायदा हो रहा है, बताओ आप ही। तुम क्या नाम है तुम्हारा? अनस नाम है जी मेरा। अनस, अनस क्या सोचते हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए? जनसंख्या कुछ नहीं, हर लड़का कामयाब होना चाहिए जी, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करनी चाहिए। जैसा आप जब हमारे जसोगा क्या होगा, जब सरकार ने सब चीज़ छीन ली जी, सराय में रह गए थे हम, प्लाट था जी 50 गज के मकान में था जी, कई साल से रहे थे,
कागज़ पागज सब चीज़ें उठे, इसकी रसीद कटनी बंद हो गई थी। जो हमारे माँ बाप अनपढ़ थे ना जी, इनको ज्ञान नहीं था ज़्यादा। तुम पढ़े हो आगे? पढ़े नहीं हूँ जी, मजदूरी कर रहा जी, क्या करूँगा जी, किराए पे घर पे रह रहे, 2000 रुपये महीना किराए का मकान का, 1000 का बिल है। बाप भी मजदूरी करे जी, मैं भी मजदूरी करूँ, दो भाई है जी, दो बहन है, ये बताओ किस तरह चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ नहीं चल रहा जी, बिल्कुल भी। सरकार बढ़िया नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही जी सरकार, बढ़िया सही जब सब कुछ छीन ले जी। 35 मकान दे जी, 35 के 35 मकान उजड़ गया वहाँ से। ये बताओ क्या करे, सारे मजदूरी पर लग रही है जी, कहेंगे किराए किराए के मकान पर बड़े, तुम्हें दिखाऊँ अपना घर झुग्गी में रह रहे, ये बताओ क्या करेगे? कह रहे जिन्होंने कब्जा किया उनका छुड़ाया है, कह रहे जिन्होंने कब्जे किए थे उनके छुड़ाए, उनके नहीं छुड़ाए जी, पहले से जो हमारे दादा परदादा में से गुजर गए रहते रहते, जब से कब्जा तो करा नहीं, भी जब हमारे दादा गए जब से कब्जा। सरकार बदल गई तो फिर नियम भी सरकार बदल गई तो नियम बदल गए जी, एकदम कब्जा कर लिया उन्होंने, सरकार बदलते सार जी कब्जा करने लिया एकदम, ऐसा थोड़ा ही ना होया करे किराए का मकान पर। ये बताइए जनसंख्या कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कम होनी चाहिए जी, कम होनी चाहिए जी। चलिए रुकेंगे रुकेंगे, आपका क्या नाम है? गुलिस्ता। अच्छा आपको क्या लगता है कि देश में जो जनसंख्या है, जो बढ़ रही है जनसंख्या, वो कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए। कम होनी चाहिए? बच्चे कह रहे हैं कि दो बच्चे होने चाहिए, दो बच्चे वही अच्छे। हाँ बहुत हैं दो, तो ऐसा ही होना चाहिए जी। योगी जी कह रहे हैं कि अब बस जितने बच्चे हो गए हैं, अब आगे वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको दो दो बच्चे पैदा कर देंगे। वो तो अपनी समस्या है, अपने उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन अपने उस पर होना चाहिए। नहीं आपको क्या लगता है, आप एक महिला है, महिला होने के नाते क्या सोचते हैं? वो तो अपनी वो कुमाने के ऊपर बात हो जी, जितनी भी अपनी हैसियत हो बना सकते हैं, जितनी अपनी हैसियत हो उसी हिसाब से बच्चे होने चाहिए। चलिए महिला है कह रही है जितनी अपनी हैसियत हो उसी हिसाब से। आपका क्या नाम है जी? मुबारक। मुबारक जी आपको क्या लगता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो भाई नहीं, आप भी तो देश के नागरिक है ना। हाँ। देश का नागरिक पहला नागरिक होता है, पता है, राष्ट्रपति के बाद पहला नंबर आपका ही आता है देश में, और आपसे नहीं पूछेंगे आपकी राय के बिना देश कैसे चलेगा? मुबारक जी। चले आई तो मेरे बिना ही नहीं, नहीं नहीं आपके बिना आप हाँ। वोट डालते हैं आप है? हाँ। तो फिर बताइए आपके बिना चल सकता है देश? वोट का अधिकार आपको है, सरकार बनाने का अधिकार आपको है। तो अब आप बताइए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे हमने नहीं पता इसके बारे में। नहीं पता ना। शादी हो गई आपकी? ना शादी भी नहीं हुई। चलिए आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता कानून आए या नहीं आए, बाकी और लोगों को फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। अब तक के लिए इतना ही, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हिंदुस्तान 9। जय हिंद।